नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। सिडनी डायलॉग में पीएम मोदी ने क्रिप्टो और बिटकॉइन को लेकर चेताया, युवाओं को दी सलाह। वसीम रिजवी की किताब पर मचा हंगामा, ओवैसी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज, पैगंबर पर गलत टिप्पणी का आरोप। आधार के तर्ज पर जमीन का भी होगा यूआईडी नंबर, जमीन बेनाम फर्जीवाड़ा रोकने की मजबूत व्यवस्था कर रही सरकार। देशमुख के खिलाफ जांच प्रभावित करने की कोशिश कर रही महाराष्ट्र सरकार, सीबीआई ने दिया ये बयान। सीरम के सीईओ आदार पूनावाला ने महामारी पर काबू पाने में वैक्सीन लगवाने से झिझक को बताया बड़ा खतरा। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वाराणसी में देव दिवाली पर इस बार भी होगा लेजर शो, देव दीप जलाने के लिए 120 समितियों को दी गई जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश में धुंध से बड़ी ठंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले में वायु प्रदूषण से राहत नहीं। यूपी किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष बनी सोनम, अखिलेश को दिया श्राप, कहा सत्ता में नहीं आएंगे कभी। यूपी में चुनाव से पहले 15 लाख ग्रामीणों को खरौनी वितरण की तैयारी, प्रधानमंत्री खुद देंगे स्वामित्व प्रमाण पत्र। साइबर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भारत और न्यूजीलैंड राजी, साइबर क्राइम से लेकर सुरक्षा तक मिलकर करेंगे काम। वयस्कों को भी लगे बूस्टर डोज, मोडर्ना ने अपने वैक्सीन के लिए दायर किया ईयूए। सिर्फ यूरोप में बढ़ रहे कोरोना से मौत के मामले, डब्ल्यूएचओ ने जताई चिंता। सूडान में तख्तापलट विरोधी प्रदर्शन से 10 लोगों की गोली मारकर हत्या, दर्जनों घायल। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के दबाव में पाक संसद ने दी कुलभूषण जाधव को बड़ी राहत, अपील करने का दिया अधिकार। युजवेंद्र चहल की उम्मीदों को लगा बड़ा झटका, रोहित शर्मा को बताया बड़ा भाई। रोहित के कप्तान बनते ही टीम इंडिया ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। टीम इंडिया को अगले साल खेलने हैं 2 वर्ल्ड कप, दोनों में भारत और पाकिस्तान की हो सकती है भिड़ंत। भारत ने न्यूजीलैंड को पहले T20 में हराया और 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बनाई बढ़त। स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, महिला विश्व बैश लीग यानी कि WBBL में शतक लगाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। वीरदास के बयान पर भड़की कंगना रनौत, एक्टर के खिलाफ की एक्शन लेने की मांग। मालदीव से वापस लौटे अभिषेक ऐश्वर्या, एयरपोर्ट पर फिर अपनी वॉक को लेकर आराध्या हुई ट्रोल। कुंडली भाग्य की प्रीता, श्रद्धा आर्य बनी दुल्हन, शादी की तस्वीरों में दुल्हे संग शरारत करती आई नजर। जय भीम को लेकर मुश्किलों में आई सूर्या, हमले की धमकी के बाद एक्टर के घर के बाहर बड़ी पुलिस सुरक्षा।
शाहिद कपूर की अपकमिंग फिल्म बुल 2023 में होगी रिलीज। 7 अप्रैल 2023 को थिएटर में आएगी ये फिल्म। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।